कि क्यों इदा लगता है कि एबीवीपी जेड़ा हैगा जे जितेगा तो कदे ना कदे जिहड़ियां वुमन एम्पावरमेंट दी गल करेगा। क्योंकि आप देखोगे एबीपी में सबसे ज्यादा अभी हमारी पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लड़कियों की संख्या, ये इसलिए है क्योंकि आप अदर पार्टीज को देखोगे वहाँ पे लड़कियों को इतना सेफ नहीं मिलती है। और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा वोटिंग भी लड़कियों की होती है और लड़कियों को भी समझ आ चुका है, वो देख चुके हैं कि एबीवीपी पूरे साल एक्टिव रहने वाली है, पूरे साल और पूरे देश भर में चलता है। मिशन साहसी के नाम पे प्रोग्राम है, उसमें हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, उसके साथ सिखाते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इतने ना एक प्रोटेस्ट हुआ सी, प्रोटेस्ट हुआ सी लड़कियां दे होस्टल दे रिलेटेड, ता ओदे विच तुसी शमूलियत कीती? जैसे कि वो GH4 का प्रोटेस्ट हुआ था, लड़कियों की वहां पे शमूलियत की बात रहती है, तो वहां पे GH4 की लड़कियां खुद भी नहीं थी। इवन जो NSUI के साथ पॉलिटिकल पार्टियां बैठी थी, उन्होंने भी बाद में स्टेटमेंट दे दी थी कि ये बस यहाँ पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सत्याल जी, मैं इम्तियाज बराड़ ते तुहानू जिवें कि मैं दस्या कि असी इस वक्त पहुँच चुके हैं PU दे वेड़े दे विच, ते इत्थे साडे नाल ने ABVP दे वर्कर, ते इस वक्त तुहानू जिवें कि मैं खास तौर पर दस्या भी है कि इस वक्त PU दे विच जिहड़ा चोण अखाड़ा है स्टूडेंट्स का, वह पूरी तरह के नाल भग चुक है, जिते कि स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे ने पूरी अड्डी चोटी का जोर लगा के अपनी अपन पार्टियां नू रिप्रजेंट करते हुए जाहिर हो रहे हैं। अच्छा, ABVP दी सब तो पहला तो असं यही जानना चाहेंगे कि कहड़े कहड़े इस तरह के लोग ने जिहड़े तुसी खड़े किए ने, ते उन्हां दे नाम ते कैड़ी डेजिग्नेशन दे वास्ते तुसी उन्हां उम्मीदवार जाहिर किया? साडे प्रधान दे उम्मीदवार ने हरीश गुजर जी। अच्छा। जिहड़े लॉ डिपार्टमेंट दे ने, ते उस तो बाद साडी दूजे जथेबंदियां नाल अलायंस है, जिदा हिमसू हो गया, इनसो हो गया, HPSC हो गई, इह साडा जिहड़ा पैनल कोड है 5512 पैनल कोड है, ते विद्यार्थियों ने तय कर लिया कि ऐतकी इस पैनल कोड नूं वोट पा के जिताना, ते विद्यार्थियों जिहड़े मसले आ उह हल करने आ। लगदा है कि इस वार दी जिहड़ी भीड़ है उह वोटां दे विच तब्दील हो सकेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, इस बार की भीड़ जो इस बार की हवा बोल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो यही कह रही है कि ABVP को जिताना है, वैसे पूरे पैनल को जिताना है, क्योंकि हमारे मुद्दे वो स्टूडेंट के हितों के मुद्दे हैं। और मुद्दे की ना तो मुद्दे ऐसे हमारे, जैसे मेन मुद्दे हमारे जो हैंगे, जो यूनिवर्सिटी हैगी, यूनिवर्सिटी को हेरिटेज स्टेटस दिलाने का, अगर यूनिवर्सिटी का हेरिटेज स्टेटस मिलता है तो 1000 करोड़ की फंडिंग आएगी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे कि जब फंडिंग आएगी तो जिससे कि हॉस्टल्स नहीं हॉस्टल बन जाएंगे, मैथ्स अच्छी होएगी, जो फीसें हैं वो अच्छी होगी, वो कम होएगी, जैसा सरकारी यूनिवर्सिटी है तो उस हिसाब से उसकी फीसें और कम हो जाएगी। अच्छा। तो ऐसे हमारे मुद्दे हैं। ठीक है। अच्छा, मुद्दों तो इलावा जो खास तौर पर जो चीज़ें ने कि लोग कह ABVP? जी, सबसे पहली बात तो कि ABVP पूरे 365 दिन 24/7 आम स्टूडेंट्स के बीच में ही रहती है, तो इसलिए जो आम स्टूडेंट्स मुद्दे जो परेशानियां फेस करते हैं तो उनके बीच में रह के हमें भी पता होती है। जैसे कि अभी हमारी 16 डिमांड्स को लेकर हंगर स्ट्राइक हुई थी। अच्छा। तो उसमें साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के टोटल 16 मुद्दे उठाए गए थे, जिनमें से कि साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करने के लिए शटल बस सर्विस और ई रिक्शा की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी थी। और साउथ कैंपस से ही मैं हूँ, तो उसमें टक शॉप की प्रॉब्लम है, हमारी अलग डिस्पेंसरी नहीं है, अगर रात को कहीं भी कुछ भी अनहोनी हो जाती है स्टूडेंट्स को तो एमरजेंसी में उन्हें साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस लाना पड़ता है। और जेकर जित जाती है ABVP तो तुम्हारी प्रायोरिटी दे विच ये चीज़ें रहनगियां? जी, उनमें से जो 16 डिमांड्स थी उसमें से प्राइमरली 15 डिमांड्स मान ली गई थी। अच्छा। एक डिमांड जो फीस को लेकर थी, फीस हाइक को लेकर के, हाँ। अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा। उस पर ये अश्योरेंस हो गई थी हमें कि हाँ, इंस्टॉलमेंट्स में फीस कर दी गई थी। हाँ। अच्छा, कुड़ियां भी नाल जुड़ी हुई हैं, तो असी यही जानना चाहेंगे कि क्यों इदा लगता है कि ABVP जिहड़ा हैगा जे जितेगा तो कदे ना कदे जिहड़ियां वुमन एम्पावरमेंट की गल करेगा? क्योंकि आप देखोगे ABVP में सबसे ज़्यादा अभी हमारी पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लड़कियों की संख्या, ये इसलिए है क्योंकि आप अदर पार्टीज़ को देखोगे वहाँ पे लड़कियों को इतना सेफ नहीं मिलती है, जहाँ पे जितना ABVP सेफ प्लेस देती है और लड़कियों को आगे लेके जाती है। हमारे नेशनल सेक्रेटरी देखोगे वो एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो भी एक लड़की है, इसलिए। और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा वोटिंग भी लड़कियों की होती है और लड़कियों को भी समझ आ चुका है, वो देख चुके हैं कि ABVP पूरे साल एक्टिव रहने वाली, और चाहे वो मिशन साहसी लेके, हमारा ABVP का एक पूरे साल और पूरे देश भर में चलता है, मिशन साहसी के नाम पे प्रोग्राम है, उसमें हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, उसके साथ सिखाते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो इसीलिए हमें लगता है कि
लड़कियां हमारे साथ हैं और ऐसे ही साथ रहेंगी। ता मिशन सासी दे नाल कदे रूबरू होने का मौका मिले, कदे सेल्फ डिफेंस सीखने का मौका मिले? जी, 4 साल तो मैं एवीपी दे नाल जुड़ी हुई हूँ और मैनू एक भी टाइम ऐदा नहीं लगे कि मैं अनसेफ है एवीपी नाल। सारे जी जी कह के गल करते हैं, चाहे वड्डा है चाहे छोटा है, ता मैं बहुत कॉन्फिडेंट है। ता इहदा मतलब कि ना कि जो रिस्पैक्ट के म्यार ने एवीपी दे विच बहुत हाई ने। बिल्कुल, एबीवीपी के अंदर रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा दी जाती है, चाहे लड़का छोटा हो बड़ा हो या लड़की हो, जो भी बड़ा हो, मतलब बिना जी के कभी किसी से बात नहीं करते हैं और हर किसी को मतलब अपनी छोटी बहन बड़ी बहन या बड़ा भाई यही सारे रिलेशंस चलते हैं। इतने ना एक प्रोटेस्ट हुआ सी, लड़कियाँ के होस्टल के रिलेटेड, तो उसके विच तुसी शमूलियत की? जैसे कि वो GH4 का प्रोटेस्ट हुआ था तो लड़कियों की वहाँ पर शमूलियत की बात रहती है, तो वहाँ पर GH4 की लड़कियाँ खुद भी नहीं थी, क्योंकि GH4 की लड़कियाँ आप अगर जाके न्यूट्रल लड़कियों से पूछोगे तो वो लड़कियाँ भी खुद ये कह रही थी कि यहाँ पे सिर्फ लड़के बैठे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ बैठी थी। इवन जो NSUI के साथ पॉलिटिकल पार्टियां बैठी थी उन्होंने भी बाद में स्टेटमेंट दे दी थी कि ये बस यहाँ पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो हम ऐसी जगह पे जाके नहीं बैठते हैं जहाँ पे लड़कियां ही नहीं है और उस हॉस्टल की नहीं है। दैट मीन तुसी उत्थे गए ही नहीं? हम गए थे, हमने पता किया मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है, हमने लड़कियों से भी पूछा, प्रोटेस्ट पे बैठे उनसे भी पूछा कि क्या चल रहा है, पर जब हमने रियलिटी देखी वो कुछ और ही थी, तो हमें नहीं लगा कि रियलिटी ये थी कि लड़कियां खुद कह रही थी कि दीदी ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग बैठे, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया था, इन्होंने अपनी ईगो क्लैश थी, क्योंकि उधर से वो कह रहे थे कि किन्होंने बनाया मुद्दा, जो NSUI पार्टी वहाँ पे मेनली प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। आप खुद भी जाके वहाँ देख सकते हो कि GH4 की एक भी लड़की वहाँ नहीं बैठती है, अगर कोई भी बैठती है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की लड़कियाँ। न्यूट्रल लड़कियाँ खुद कहती है कि हम रात को बाहर जाते हैं तो ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो भीड़ इकट्ठी करते हैं, अभी तो इवन चलो सबकी भीड़ होती है, पर वहाँ पे लड़कियाँ खुद ये बात बोल रही थी कि समझाने की कोशिश नहीं की कि साड़ी यूनिवर्सिटी के विच इस तरह की अफवाहें ना उड़ाई जाए। हमने की थी ट्राई, पर सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। ABBP आप देखते हो कि राष्ट्र सेवा से लेकर यूनिवर्सिटी के हर मुद्दे को उठाती है, हम समझा सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। चलो मुद्दों की गल करते हैं, आप फिर दोबारा बॉयज़ वाल आने की, इस तरह के मुद्दे ने जो हूँ तक पिछले 1-2 सालों तुहाडे वालों सारे वालों चके गए? जी, सबसे पहले तो कोविड टाइम्स में बाकी पार्टी जब चुनाव का कुछ निश्चित था नहीं कि होना है या नहीं होना है, तो वो लोग शांत कमरों में बैठे हुए थे, तो कोविड टाइम्स में ABBP अकेली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, राहत शिविर और घर घर जाके स्क्रीनिंग तक करी है। और दिनों में आपने कोविड के दिनों में आपने ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए? जी, ऑक्सीजन सप्लाई भी हमने मैनेज करी हुई है। जी, ये तो हो गई कि राष्ट्र सेवा की बात, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी 24/7 दोबारा खुलवाने के लिए भी हमारी 24 डेज की अप्रॉक्स थी अपनी। बात करें अगर हम यूनिवर्सिटी के मुद्दों की बात करें, यूनिवर्सिटी के मुद्दे में सबसे बड़ा जो हमारा प्रोटेस्ट रहा वो 28 दिन का प्रोटेस्ट रहा। कब लगा था? पिछले 2021 में, तो उस टाइम क्या हुआ, फी हाइक हो गई थी 5%, जो हर साल सिंडिकेट की मीटिंग में होती है, तो इस ऐसा ही एक मुद्दा था कि इस 5% फी हाइक के मुद्दे के लिए 28 दिन की प्रोटेस्ट हमने चलाई थी, जिसमें लगातार हमने वाइस चांसलर के कभी घर पे कभी ऑफिस को बंद भी करा, ताले भी लगाए, कभी उनकी गाड़ी को फॉर सेल का वो लगाया, कभी कुछ ना कुछ करते ही रहे। अच्छा, आपके वाइस चांसलर साहब का नाम भी बताएं थोड़ा सा। राजकुमार जी। अच्छा, कभी मिले उनसे? बिल्कुल मिले एक बार। तो उनसे मिलने के बाद लगा कि कोई मसला हल होगा? देखो, बात तो चलती रहती है, वो मसले में बात करें, वो भी डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन हम उनकी डेवलपमेंट और हमारे स्टेटमेंट से फ़र्क होता है कभी कभी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स में नहीं रहते, स्टूडेंट्स में हम रहते, तो हम अपने मुद्दे लेके उनके पास जाते हैं ताकि वो हमारे मुद्दे सॉल्व कर सके। अच्छा जी, साड़ी ना मुलाकात हुई कुछ इतने स्टूडेंट्स हैगे ने, वो कहते जो वाइस चांसलर साहब ने वो तो सानू मिलते ही नहीं है। नहीं, अगर आप विद्यार्थी जावे कट्ठे मसला लैके जावे प्रोटेस्ट करेंगे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन मिलना चाहेगा, मिलेगा हमारे नाल, क्योंकि वो भी बैठे है कि वधिया एजुकेशन प्रोवाइड करने वास्ते ही बैठे है। उन्होंने तो यह कहना सीगा, कहते भी ये इन्होंने जो दे आए ने राजकुमार सर, तो उन्होंने VIP कल्चर को बढ़ावा दिता, कि सही गल है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि VIP कल्चर का बढ़ावा देता, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, अफवाहें उड़ाई जाती हैं जो और पार्टीज़ हैं, उनको लगता है कि भाई ये वाइस चांसलर लोगों ने ऐसी बना रखी है अफवाह है कि भाई ऐसा, ये तो ABP का वाइस चांसलर है, इसको वाइस चांसलर है, इसका वाइस चांसलर है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ABP का वाइस चांसलर कौन कह रहे हैं? नहीं, लोग बोलते हैं ऐसे अफवाह उड़ाई जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का है, किसी पार्टी का वाइस चांसलर नहीं है। जो यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का वैसा वाइस चांसलर है। ABP खुद के लिए अपने आप में एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, किसी अफसर शाही को प्रमोट नहीं करती ABP। अच्छा, वैसे ABP का जरा तालुका है, अगर आप पिछों पिछोकड़ तो आप गल करिए किस पार्टी के नाल? जी, साडा किसे पार्टी नाल तालुकात नहीं है। आप जिहड़ी साडी जिहड़ी विचारधारा नैशनलिस्ट प्रमोट करते, नेशन फर्स्ट की जिहड़ी भावना विद्यार्थियों अंदर आप पाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी नाल कोई तालुकात नहीं करते? देखो मेरी गल सुनो, भारतीय जनता पार्टी 1980 च बनी सी, विद्यार्थी परिषद 1949 च बनी,
हूँ विद्यार्थी परिषद अगर पहला बनी तो तालुकात कितना भारतीय जनता मतलब ए बी वी पी का कोई तालुकात नहीं है बीजेपी नहीं जी बीजेपी के साथ कोई तालुकात नहीं है ना उन्होंने सोच तो चल नहीं जी उनकी सोच पसंद करते हैं ना जी हम सोच पसंद करते हैं जी हम आरएसएस की पार्टी है आरएसएस से बिलोंग करते हैं उनका स्टूडेंट विंग है जेडी पार्टी देशभक्ति का नैशनलिज्म का काम करेगी आप सपोर्ट करते हैं जेडी पार्टी जो देश हित विद्यार्थी हित का काम करेगी आप सपोर्ट करते हैं यही ए बी पी का मत है अच्छा ए बी वी पी फुल फॉर्म बोलो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पांच गल्लां खास गल्लां जिन्हां दे करके लोग कहन कि क्यों इन्हां नूं असीं जिताईए ते क्यों इन्हां नूं लैके आईए इस वक्त लाइट दे विच मेरी गल सुनो ए बी वी पी एक ऐसी विद्यार्थी जथेबंदी है जिहड़ा पूरा साल भर विद्यार्थियों रहिंदी है ते विद्यार्थियों लई काम करदी है विद्यार्थियों दे मसलियां नूं हल करदी है अगर कोविड की गल होए तो आप देखते हैं कि जिते लोगों को जो कोविड होया लोगों का संस्कार नहीं हो पा रहा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे देश भर से जाता है तो उन्होंने संस्कार आप सम्मिलित होंगे लोगों के घर बस्तियों में जाके स्क्रीनिंग की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने राशन की समस्या जितने आ रही थी राशन वंडिया मैं खुद राशन वंडिया ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए यह सारा कोविड में यह मसलों ए बी पी के कार्यकर्ताओं ने किया एन ई पी नवी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी जी आई है विद्यार्थी परिषद का मत है कि वह छेती तो छेती लागू होनी चाहिए सस्ती और टिकाऊ एजुकेशन जी लोगों को मिलनी चाहिए ताकि वो जी एजुकेशन है जी सू जॉब्स मिले स्किल्स एजुकेशन जी आप प्रमोट कर रहे हैं ए बी पी का यह मत है इस तो इलावा कुछ इस तरह दिया चीज़ा चलो ये तो बहुत उसी गल की है केंद्र सरकार के लेवल के उपर या पूरे इंडिया लेवल की एन पी लागू होवे एजुकेशन लेवल जिहड़ा हैगा साडा इंडिया का नॉट ओनली पंजाब और चंडीगढ़ सारे का म्यार आ जिहड़ा वह दुरुस्त होवे वधिया होवे उच्चा होवे अगर सिर्फ पी यू की गल करिए आपां अगर सिर्फ पी यू की गल करिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की गल करिए इस तरह दिया पंज चीज़ा पंज इस तरह दिया गल्लां जिहड़ियां कि लोगों को तुसीं कहो कि ए बी वी पी नूं वोट पाओ तो असीं प्रायोरिटी के उपर पंज चीज़ा हम लैके आवांगे सबसे पहली बात है जो ए बी वी पी की कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूजेंस क्रिएट करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूजेंस क्रिएट करें ए बी पी हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करती है चाहे आप साल भर की हमारी एक्टिविटीज़ देखोगे उन साल भर की एक्टिविटीज़ में आपको अलग अलग एक्टिविटी दिखेगी जिसके अंदर बच्चों को स्टूडेंट्स को हमेशा उनका टैलेंट निकलता है उभर के तो ऐसी ही एक्टिविटीज़ होगी पहली बात तो ये दूसरी बात हम बात करें तो हमेशा ए बी पी के जो लोग हैं 24/7 स्टूडेंट्स के बीच में ही काम करते हैं उन्हीं के मुद्दे उठाते हैं चाहे आप सिक्योरिटी लैब्स का मुद्दा ले लें चाहे आप गर्ल्स के सिक्योरिटी का मुद्दा ले लें चाहे आप गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस का मुद्दा ले लें तो हमेशा इनके इन्हीं मुद्दों पर बात करती है कि इस वक्त जेकर तुम जीते तो की करोगे सिक्योरिटी के वास्ते आप अगर देखोगे हमने जो 16 डिमांड्स रखी थी हंगर स्ट्राइक के टाइम उस 16 डिमांड्स के अंदर सबसे पहला मुद्दा था साउथ कैंपस सिक्योरिटी पूरी साउथ कैंपस में अगर आप रात को जाकर देखोगे तो वहाँ पे 15-20 गार्ड्स हैं सिर्फ तो ऐसे कम से कम वहाँ पे 100-150 गार्ड्स होने चाहिए ताकि उस यूनिवर्सिटी को भी इस यूनिवर्सिटी की तरह माना जाए ऐसे नहीं कि वो अलग पार्ट है यूनिवर्सिटी का वैसे उन्होंने अलग माना गया उन तक अलग ही मानते हैं उसे क्योंकि क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं करते उसमें कभी ना सिक्योरिटी का देखते मुद्दा वहाँ पे गर्ल्स का आएगा इतनी 8-9-10 अब 11 बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल है लेकिन कभी भी उसके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड अलग से नहीं प्रोवाइड होते जो 10-15 सिक्योरिटी गार्ड है वही रखे जाते हैं तो रेगुलर उन सिक्योरिटी गार्ड्स की एक नई अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और रेगुलर उनको देखते रहना चाहिए ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा सिक्योरिटी हो गया आपने तीन चीज़ें चौथी से पांचवी चौथी चीज़ हमारी जो रहेगी वो रहेगी कि अगर आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक इंडियन कॉफ़ी हाउस होता था यूनिवर्सिटी का वो कई साल पुराना है तो आज तक वो खुला नहीं तो ऐसी कई सारी कैंटीन्स हैं यूनिवर्सिटी की जो मतलब कभी भी खुली जैसे आप इंग्लिश डिपार्टमेंट देखोगे वहाँ बैक साइड कैंटीन होती थी तो आज उस वहाँ कैंटीन खुली नहीं हुई दोबारा क्योंकि अगर किसी बच्चे को अगर कोई कैंटीन या कुछ खाना है तो उसको स्टूसी आना पड़ता है तो ऐसी कई कैंटीन्स बंद पड़ी है कई कोविड टाइम से तो उनको दोबारा रिनोवेट करने की स्टार्ट करने की यूनिवर्सिटी के कैंटीन्स तो शुरुआत करवा लोगे पर यूनिवर्सिटी हर जगह के उपर जी गंदगी पैंती है कोई खिलारा पैंता है उसनों साफ करने के वास्ते या फिर उतों की सफाई के नाल खास तौर पर उत्थे जे डस्टबीन है कि हर जगह पे मौजूद है ने? बिल्कुल जी अब एबीवीपी का एक ये मुद्दा है कि हाइजीनिक और जो जीरो प्लास्टिक का एक मुद्दा रहेगा कि प्लास्टिक बिल्कुल बैन हो जाए यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे तो बैन है टिश्यूज आप देखोगे टिश्यूज नहीं मिलते यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी ऐसे ही मुद्दे चलते रहने चाहिए कि प्लास्टिक बिल्कुल जब प्लास्टिक बैन है तो फिर कोका कोला की बोतल कितने पीने कोल्ड ड्रिंक पीने वो कितने पीने तो वो बैन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे यहाँ पर लिफाफे कले बैन करने 16 माइक्रोन के 17 माइक्रोन के या बोतल जगह बोतल्स कोक दियाँ हो गया लिमका दियाँ वो भी बैन करवा वो भी बैन करनी है फिर पियोगे की पियेंगे जी कैंस वगैरह होते हैं और वाटर कूलर यूनिवर्सिटी के अंदर वो सब फिर लेस कुरकुरे प्लास्टिक वो डस्टबिन में जाएगा वो प्लास्टिक नहीं है वो रिसाइकलेबल भी होती है कोई प्लास्टिक ना अलग अलग तरीके की होती है जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है हमारा मकसद है पहले उसको बैन करना जो रीयूजेबल प्लास्टिक होती है वो जैसे गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं सर अच्छा सेंटर की पॉलिसी जो आएगी मुताबिक कर सकते हैं सर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन कर दिया तो सर यूनिवर्सिटी में भी वो बैन हो जानी चाहिए सर तो अगर होगी तो उसको हम ध्यान रखेंगे सर उस चीज़ का उन्होंने चीज़ा ध्यान रखोगे इतने इतने सैंडविच मिलते हैं सैंडविच भी तो लिफाफिया ही पैक हुए होंगे नहीं मैं सैंडविच खाता नहीं चलो ये हो गए चार लास्ट ते आखिरी मुद्दा
आखिरी मुद्दा आएगा फी हाइक का, जो सिंडिकेट की मीटिंग हर साल बैठती है, उसमें हर साल 5% फी हाइक होती है। तो एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें ऐसा नहीं हो कि फी हाइक होती रहे, बल्कि अगर हम फंड्स लेके आते हैं, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हेरिटेज स्टेटस मिल यूनिवर्सिटी को, अगर फंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो अगर आप UILS की बात करें जहाँ पे 1-1 लाख जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, तो उनकी फीस ही 20-20 हज़ार हो जाएगी। तो ऐसे मुद्दे पर बात करने पकड़े। तो पहला तुम हरीश गुजर जी के बारे में थोड़ा दस। हरीश गुजर जी विद्यार्थियों में काम कर रहे हैं पिछले 6 सालों तो, पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के मसलों लड़ रहे हैं। तो यही सब तो वही खासियत है विद्यार्थी नेता की या फिर स्टूडेंट लीडर की, कि विद्यार्थियों के बीच रहा है, बाहरों दिन ही आया। सर अगर जो हरीश गुजर भाई है, उन्होंने उनका एडमिशन सर पहले DAV कॉलेज में था, पहले उन्होंने सर 3 साल वहाँ पर मेहनत करी, फिर सर उनका लॉ डिपार्टमेंट वो यूनिवर्सिटी में आए, फिर सर उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट के इशूज़ सॉल्व किए, यूनिवर्सिटी में काम किया सर, अलग अलग हॉस्टल्स का इशूज, DSW सर के सामने कई प्रोटेस्ट किए, फिर सर अब वो 7 साल बाद उनको मौका मिला ABVP जैसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का, ये उनका बैकग्राउंड है सर। ये होगी हरीश गुजर जी की गल। हूँ आप गल करांगे आसिम चर्च जी। आसिम चर्च जी बेसिकली हिमसू पार्टी तो बिलोंग करती है। अच्छा। तो वो ज्योग्राफी के स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर। अच्छा, केड़ी डेजिग्नेशन दे वास्ते उम्मीदवार है? वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। हां जी। अच्छा, उन्होंने बारे में दसो। वो ज्योग्राफी के रिसर्च स्कॉलर है। तो जो हमारा पूरा पैनल है वो हर अलग अलग डिपार्टमेंट से आता है। अगर आप हरीश की बात करो तो अभी ऐसे वो डिपार्टमेंट से बता ही दिया, तो ये आसिम है, वो साइंस डिपार्टमेंट से आती है, जो ज्योग्राफी की रिसर्च स्कॉलर है। आगे आप जनरल सेक्टर की बात करो, वो प्रवेश बिश्नोई है, वो UILS डिपार्टमेंट से आता है, जो नॉर्थ कैंपस का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जाता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो जनरल सेक्रेटरी सीट पर, इनसो पार्टी से। इनसो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, प्रवेश जी है कि नहीं? प्रवेश जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर, जनरल सेक्रेटरी पोस्ट। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी के लिए एक अमरकांत प्रधान है, वो UIT से है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा साउथ कैंपस का, वहाँ से। हाँ जी। अच्छा, तुम्हारी पार्टी की सारी आप गल कर ली हैं, कोड नंबर की है? 5112 जी। अच्छा, तो की दरखास्त करनी चाहोगे गुजारिश जी? सबसे पहली बात कि हमें वोट का अधिकार बहुत ही संघर्ष से मिला है, तो सबसे पहली चीज़ कि सभी लोग अपने मतों का प्रयोग जरूर करें, और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि आखिर जो हम मतदान कर रहे हैं उससे फ्यूचर में हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ना है। जैसे हम देखते हैं कि इन्होंने बताया ही है कि हम यही चाहते हैं, अगर हमारा पैनल पूरा आता है तो हम यूनिवर्सिटी को हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसमें 1000 करोड़, ये पूरी यूनिवर्सिटी एक ही चीज़ से जूझ रही है कि यहाँ पे फंड नहीं है, सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है फंड। हम इसीलिए कह रहे हैं हमें लेके आओ, हम यूनिवर्सिटी को हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिलवाएंगे, और इम्पैक्ट ये रहेगा कि जितने भी यहाँ पे लड़कियों के मुद्दे, हमारे पैनल में एक लड़की भी है, तो लड़कियों की डिमांड रहती है कि एक वीमेन रिप्रेजेंट होनी चाहिए, मैं भी एक वीमेन हूँ तो मैं देखती हूँ, तो हमारे पैनल के अंदर वो भी है, और सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया है। तो हम लोगों से बस यही गुजारिश करेंगे कि एक मौका हमें देखो, जो यूनिवर्सिटी में जितना भी हेरिटेज नाल जुड़ी तुसी गल कीती है, की करोगे? हेरिटेज में ये होता है कि जितनी भी हेरिटेज यूनिवर्सिटी होती है उनको फंड मिलता है 1000 करोड़ का। तुसी कितनों लेके आओगे 1000 करोड़? हेरिटेज का अगर मिलता है स्टेटस तो वो ऑटोमेटिकली ही मिलता है। स्टेटस कैसे दबाओगे? हम जितना हमें चलना पड़ेगा उसके लिए, चाहे कितने प्रोटेस्ट करने पड़े, धरने करने पड़े, या हमें किसी के खिलाफ लगाओगे धरने? जिसके भी खिलाफ लगाना पड़े, चाहे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ लगाना पड़े, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, या फिर यहाँ पे अथॉरिटी बैठी हो, हम सबके खिलाफ जाएंगे, पर इस यूनिवर्सिटी को हेरिटेज यूनिवर्सिटी बना के रहेंगे अगर स्टूडेंट हमारे साथ चलते हैं तो। अच्छा, इस तो अलावा एक ना इन बिटवीन रौला पैंदा शुरू होया सी, मैं दोबारा इधर भाजी उन्होंने को आऊँगा, एक रौला पाया सी, कहिंदे भी जिहड़ी PU है, PU नू सेंटर सरकार जिहड़ी केंद्र सरकार वो अपने अंडर लैण जा रही है। साडा मानना यही सी कि जिदा भी विद्यार्थियों का फायदा हो सकता उदा की चीज़ होनी चाहिए है। अगर विद्यार्थियों को सस्ती एजुकेशन सेंट्रलाइजेशन होने तो बाद मिल सकती है तो आप समर्थन करते हैं। अच्छा। अगर जिस तरह विद्यार्थियों का फायदा होएगा उदा ABP उन्होंने नाल खड़ी है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं असं इस चीज़ के खिलाफ। देखो जी, खिलाफ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर फंड्स आएंगे तभी हमारे सबको फीसें कम होंगी, बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। देखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, बच्चे इतनी मेहनत करके एडमिशन्स लेते हैं, मेरे खुद के डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ, बच्चे छोटे छोटे घरों से हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है जिनका, वो भी आते हैं, लेकिन उनको लाख लाख रुपए फीस भरनी पड़ती है यहाँ पे, तो सेंट्रलाइज होने से उनकी फीस से कम होगी। अगर 1,00,000 रुपये फीस है तो सेंट्रलाइज होने तो बाद कितनी हो जाएगी? 20-25 हज़ार हो जाएगी जी। आप JNU का उदाहरण देखिए, उत्थे फीसा बहुत घट है, उत्थे मैस की फीस है जी 30-20 रुपये इदा कुछ फीस होंगी है। अगर आप उस कंपेयर करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फीसा ज़्यादा है, अगर अच्छा मैस की जी है आप फीस की गल करते हैं, आप पहला तो खास तौर पर आप गल करते हैं इतने जो कमर के किराए ने, कमरे के 6 महीने के मेरे ख्याल से 1 semester की पढ़ाने फीस तो कि है 6,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये 1 महीने। हाँ जी। JNU तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ JNU ਕਿੰਨੀ? ਹਾਂ JNU ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ? ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਈ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
जिदा डाइट भी कह लो 10 रुपए ये बारे से साडे जनता नूं ज़्यादा पता होगा कि उन्होंने फीस जी है जे एन यू की किन्नी है। इस तो अलावा गल हुई सी कहिंदा मीत हेयर जिहड़े हैगे ने सिक्ख्या मंत्री हैगे ने पंजाब दे ते भगवंत मान हैगे ने मुख्यमंत्री पंजाब वह कहिंदे कि असी इहनू केंद्र दे हत्थां दे विच जाण नहीं देवांगे यूनिवर्सिटी नूं। नहीं जी इसमें तो जी वो अपना पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं ना कि की फायदा होना भगवंत मान को मतलब केंद्र दे जाण च। जी अगर केंद्र में हो जाती है तो जो यहाँ पे शिक्षक भर्तियाँ होती हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ हैं वो केंद्रीय सरकार देखेगी, तो इसमें जो राज्य सरकार का दखल है वो मिनिमाइज हो जाएगा, तो इसलिए वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ना कि वो स्टूडेंट्स का बेनिफिट देखने के लिए कर रहे हैं। अज तक कदे केंद्र सरकार दे चलो छोड़ो आप केंद्र दी आप सूबा सरकार दी गल करदे हां कि अज तक पीयू दे विच सूबा सरकार जिहड़ी हैगी है इस वक्त पंजाब सरकार ने कदे दखलअंदाजी की? दखलअंदाजी का हमें नहीं पता, मतलब मैं नहीं कहूँगी, पर जो इन्होंने बताई है सर ने बात, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का फंड देखोगे कहीं भी डाटा निकाल देना स्टेट गवर्नमेंट 33 करोड़ 34 करोड़ देती है। क्या आपको लगता है पूरी यूनिवर्सिटी के लिए 33 करोड़ बहुत है? ये तो ऑडिट करके पता लगेगा, आप देखो कि हाँ देख लेना आपसे चेक करना। तो मुझे नहीं लगता जितनी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें 33 करोड़ से हमारा कुछ हो पाएगा। कितना का चाहिए फंड हमारे जितना ज़्यादा हो सके, चाहे वो 500 करोड़ दे दो 1000 करोड़ दे दो। पंजाब यूनिवर्सिटी की इन्होंने जो हालत कर रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाओगे वॉशरूम तक अगर लड़कियों की कुंडी तक नहीं लगती है वॉशरूम की, इतने गंदे हालात है यहाँ पे। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर कर रही है तो उन्हें फंड देने चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए कि कितनी जरूरत है। इतने स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो नहीं चल रहा है? चल रहा है, पर ये भी देखना चाहिए सरकार भी तो कुछ करे ना, फंड दो, हाइजीन चलो ठीक है, यहाँ डस्टबिन लगा लिया, इसमें दोनों तरफ से रहता है, सिर्फ सरकारों की भी गलती नहीं है, जो यूथ है उसको भी देखना चाहिए कि अगर डस्टबिन पड़ा है तो हमें वहां डालने चाहिए। हर जगह सरकार भी कुछ नहीं करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जगह की होती है कि मैं अगर कुछ खा रही हूं तो उसको डस्टबिन में ही डालूं। ये इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये हमारे खुद के ऊपर है कि हम उसे कैसे डील करते हैं। एबीवीपी की मोदी जी की आइडियोलॉजी को पसंद कर दी? अगर देखो हमारी आइडियोलॉजी सिर्फ देशभक्ति है और हम चाहते हैं कि नेशन फर्स्ट हमारे लिए, चाहे वो कोई भी हो अगर नेशन के साथ है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो भगवंत मान हो, जो भी देश की बात करेगा हम उसके साथ चलेंगे, अगर देश को तोड़ने की कोई बात करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे चाहे वो कोई भी हो। अगर चूज करना हो भगवंत मान और नरेंद्र मोदी कौन? हमें सिर्फ हमारी एबीवीपी अच्छी लगती है, हम एबीपी को चूज करेंगे। सियासत विच जे जाण दा मौका मिला तां जाऊंगे? जी। केड़ी पार्टी नूं फिर जाऊंगे, किहदे नाल जुड़ोगे? देखो ओ डिसाइड करेगा जद, मतलब वो चीज़ उदो डिसाइड होएगी ना जिहड़ी पार्टी अप्रोच करेगी या हाँ मतलब आने पार्टी तुहानू क्यों अप्रोच करेगी, तुसीं तां खड़ी नहीं रहे इलेक्शन दे विच, पर मैं परिषद दी कार्यकर्ता है तो मैं अगे जाके उपर 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 उठ सकदी हाँ, साडे कोल चांसेस हैगे ने। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैनल कोड है 5112, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके एबीवीपी और हमारे पूरे पैनल को जिताए ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ चल रही है एक मौका हमें देके देखें कि हम जरूर सारे काम करेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया ते ए सी ए बी वी पी के जेडे वर्कर है स्टूडेंट्स तो उन्होंने वालों अपनी जी एक सोच है अपनी सोच जाहिर की गई तो की इन की सोच है तो आने वाले वक्त ये किस तरह के नाल अगे जाके काम करते हैं इस दे उपर सारे नज़र जो ने लगातार लगिया हुई ने। बाकी की होंदा है असल हकीकत दे विच कौन जितदा है कौन जांदा है कितने ना कितने थोड़े मोटे समीकरणों के नाल अगे पिछे ये वेखनी जी होगी गल अहम होगी। बाकी तुम इस सारी की सारी गलबात बारे में की सोचते हो इस बारे में कमेंट सैक्शन के जाके अपनी राय साझी करना बिल्कुल भी ना भुलना। इसे दे नाल ही इम्तियाज़ बराड़ नूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।